आज हम बात करने जा रहे हैं क्वांटाइजेशन की। क्वांटाइजेशन है क्या, इसके बारे में बात करने हम जा रहे हैं। तो कई बार होता है कि हम कभी भी कुछ कम्युनिकेशन करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट भी आता है जब हम एनालॉग सिग्नल से कोई चीज़ ट्रांसमिट नहीं कर पाते, कोई चीज़ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ डिजिटल सिग्नल फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, है ना। तो मतलब हमें उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए हमें एनालॉग को क्या करना पड़ रहा है, डिजिटल में हमें कन्वर्ट करना पड़ रहा है ना। एनालॉग को हमें डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक कंटिन्यूअस सिग्नल को, एक हमारा कंटिन्यूअस सिग्नल को हमने डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसी के कुछ फॉर्मुलेशन होते हैं एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल होता है, तुम्हें सारा कुछ इसी से समझ आएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये एक एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके सैंपल्स क्रिएट करूँगा, इसको सैंपलिंग थ्योरम को यूज़ करके इसको इसके सैंपल्स क्रिएट करूँगा। तो चलो भाई इसके सैंपल्स क्रिएट कर देते हैं। तो इसके मैंने सैंपल्स देखे कि कुछ इस वे में आ रहे हैं, इस वे में आ रहे हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर का देख रहे हो, है ना। इस वे में इसके सैंपल्स आ रहे हैं, ये हमारे सारे सैंपल्स हैं, है ना जी। एट टाइम टी नोट, ये इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ एम्पलीट्यूड होगा, लेट दैट भी हम उसको ले लेते हैं एम वन ले लेते हैं, ओके। इसका कुछ अपना होगा एम टू ले लेते हैं उसको, ऐसे सभी के अपने अपने होंगे, ठीक है। दिस इज टी वन, दिस इज, ये टी वन ले लो आप, अब इसको टी वन ले लो, या टी नोट ले रहे हो तो इसको एम नोट लेना, ठीक है। इसको टी वन ले लिया, इसको टी टू ले लिया, टी थ्री ले लिया, है ना, ऐसे चलते गए। लेकिन है तो अभी भी ये सैंपल, कन्वर्ट तो कर दिया मैंने इसको यूजिंग सैंपलिंग, लेकिन है तो अभी भी ये एक कंटिन्यूस सिग्नल ही है, कंटिन्यूस सिग्नल ही है। अभी तक ये कन्वर्ट हमारा डिस्क्रीट में हुआ नहीं है, अभी तक ये हमारा डिस्क्रीट में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो डिस्क्रीट में कन्वर्ट करने के लिए, ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड आया था, दैट इज क्वांटाइजेशन। वो है क्वांटाइजेशन। आई होप इतनी बात सभी को क्लियर होगी। तो क्वांटाइजेशन क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। इन क्वांटाइजेशन, मार्कर को क्या होगा, इन क्वांटाइजेशन द टोटल एम्पलीट्यूड रेंज, द टोटल एम्पलीट्यूड रेंज which the signal occupy is divided into standard level, which signal occupies is divided into standard levels, ठीक है। उसको हम एक स्टैंडर्ड लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं, वो लेवल्स की हम बात करते हैं कि क्या होता है। ये अभी तक मैग्नीट्यूड इसमें सैंपल में दिए नहीं थे हमें, ठीक है। अभी तो बस हमने सैंपल क्रिएट किया था, टी वन पे ही आ रहा है, टी टू पे आ रहा है, टी थ्री पे आ रहा है। लेकिन क्वांटाइजेशन क्या करता है, इसकी बात सुन लेते हैं। क्वांटाइजेशन इसको एक लेवल क्रिएट करने शुरू कर देता है, ये लेवल ये क्रिएट करना शुरू कर देगा क्वांटाइजेशन, ओके। क्या बोला इसने, क्या बोला, इन क्वांटाइजेशन द टोटल एम्पलीट्यूड रेंज, जो टोटल एम्पलीट्यूड रेंज है विच सिग्नल ऑक्यूपाई इज डिवाइडेड इनटू स्टैंडर्ड लेवल। हमने स्टैंडर्ड लेवल क्रिएट कर दिया, लेट इसके जो लेवल का है दैट इज माइनस एमपी से लेके एमपी तक है, ठीक है, ठीक है। एंड ये हमारा सिग्नल था, ये हमारा सिग्नल था, इस सिग्नल को हमने पहले तो ब्रेक किया, मतलब इतना ही ले रहा हूँ, सिर्फ इतना ले रहा हूँ, अलग अलग पॉइंट पे इसकी अलग अलग वैल्यूज आ रही है,
अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इसकी वैल्यूज आए, है ना। तो क्वांटाइजेशन भी यही कहते हैं, क्वांटाइजेशन कहता है भाई मैंने एट टी नोट इसकी ये वैल्यू आ रही है, टी वन इसकी ये आ रही है, लेकिन ये लेवल हमने अपने आप क्रिएट किया, हमने ये नहीं किया कि भाई टी नोट है तो इसका मैग्नीट्यूड लिखा यहाँ, नो, यहाँ इसका एम्पलीट्यूड नहीं लिखा मैंने, यहाँ सिर्फ हमने एक लेवल क्रिएट कर दिया। मान लो ये बीच में आ जाए, उसके हम बाद में बात करेंगे। तो बेसिकली ये लेवल्स क्रिएट कर देता है, और टी नोट, टी वन, टी टू, टी थ्री, टी फोर क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, क्या क्या क्वांटाइज्ड वैल्यू आ रही है वो हम चेक करते हैं, ठीक है। आई होप इतनी बात सभी को क्लियर हुई। अब हम एक दो चीज़ें और देखते हैं थोड़ा सा यार, देखते चलो। ये दो ले रहा हूँ, इनके बीच का जो गैप है इसको हम बोलते हैं डेल्टा वी, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा वी, जिसकी वैल्यू होती है टू टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड दैट इज एमपी बाय लेवल, कितने लेवल क्रिएट है, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये जो बीच में गैप्स आ रहे हैं ये लेवल्स, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, तो ऐसे सेवन लेवल्स क्रिएट है, इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। ये तो था हमारा यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, क्योंकि टी नोट पे एक एम्पलीट्यूड हमें बीचों उसके साथ में ही दिख रहा है। अब ये भी तो हो सकता है भाई कि थोड़ा सा मिटा दे इसको, ये भी तो हो सकता है कि हमारा सिग्नल का एक लेवल ये, एक लेवल ये, एक लेवल ये, लेकिन वैल्यू कहीं हमारी ये दिखा रहा है बीचों बीच, तो कोई एम्पलीट्यूड हम तो पता ही नहीं कर पा रहे, ना ये वाला ना ये वाला, इसके बीच में है। Then this type of quantization is non-uniform quantization. अगर quantization कुछ इस तरह की है, that is a non-uniform quantization, okay? ठीक है? तो अगर quantization non-linear है या step size constant नहीं है, that is a non-uniform. ठीक है? तो वैसे हम non-uniform की ही बात करते हैं, अच्छी तरह बात करते हैं। ये uniform quantization का लिख लिया सभी ने, क्वांटाइजेशन का इधर यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन का जो डायग्राम बनाया था थोड़ा सा बैक करके आप लोग नोट कर लेना। अब हम बात करने जा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन की, नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख ले। इफ द क्वांटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट लीनियर और स्टेप साइज is not constant, then quantization is known as non-uniform quantization, then quantization is known as non-uniform quantization, ठीक है जी। तो हम quantization को non-uniform कहते हैं, मैंने बता ही दिया कि अगर हमारा ये सिग्नल है, इसकी एक वैल्यू इधर है और लेवल हमारा ऊपर दिखा रहा है, इट मीन्स कि बीच में, तो उस तरह की क्वांटाइजेशन को हम नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वांटाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत जो बताना था। इसके बाद जो टॉपिक शुरू होगा दैट इज कंपेंडिंग, व्हाट इज कंपेंडिंग, उसका काम क्या है, ये सब हम शुरू करेंगे, ठीक है जी। कंपेंडिंग क्या है, कंपेंडिंग बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म में यूज आता है, जिससे हम सिग्नल को क्या कर सके, क्वांटाइज्ड कर सके, यूनिफॉर्म क्वांटाइज। अगर वो सिग्नल हमारा बीच में, तो इसको या तो हम थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे या थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे ले आएंगे, तो इस तरह की चीजों में हम कंपेंडिंग को यूज करते हैं, ओके। तो उसकी हम बात अभी थोड़ी देर बाद में करेंगे आराम से, जो अगली प्रेजेंटेशन में बात करेंगे कंपेंडिंग की। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक आर FB पेज, जिसका आप लिंक इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर आप टाइप करेंगे @mykeacademy। ठीक है।
ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।